मतलब यही है कि वहां पे मंथन करने की जरूरत ज्यादा है, जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, बीजेपी के लिए चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला कर लिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये वो नाम है जिस पर बीजेपी ने कई बार मंथन के बाद इस जगह पे पहुंची है कि इन चेहरों को ही मौका दिया जाए, जो कि मेरे सहयोगी अमित पांडे भी लगातार आपको बता रहे थे कि जो फेरबदल होना है उस फेरबदल में कई दिग्गजों के टिकट अगर कटेंगे तो कुछ नए चेहरों को मौका भी मिलेगा। मैं सीधे अमित का एक बार फिर से रुख करती हूँ। अमित, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ को लेकर मंथन बहुत ज्यादा, और आज जब पांचवी लिस्ट आनी है तो क्या हम मान के चले कि बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें और भी प्रदेशों को लेकर मंथन अब उसका फाइनल राउंड में है, फाइनल टच उसे दे दिया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस ये जो पांचवी लिस्ट के लिए बैठक में हुआ है वो है उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें। खुद योगी आदित्यनाथ सीएम आए थे, दोनों डिप्टी सीएम आए थे, इसके अलावा पीएम भी मौजूद थे, और इन बाकी हुई सीटों के चुनाव के नामों पर चर्चा हुई। पहला यूपी हमने बात की, और दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि बीजेडी और बीजेपी अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी 21 सीटों पर चुनाव में ये चर्चा हुई। तो ये दो प्रमुखता से जो अहम राज्य हैं, जो जिनका उम्मीदवारों का नाम पांचवी सूची में आएगा। इसके अलावा जो अन्य नाम है वो भी आएंगे। अब अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ से भी पार्टी जो है वो उम्मीदवार का नाम बदल सकती है। इसके अलावा हाथरस, और इसके अलावा पूर्वांचल की भी सीटों से नए उम्मीदवार पार्टी का नाम दे सकती है, खासकर वो लोग जो कुछ दिनों पहले जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी ठीक है, अमित एक बार फिर से रुख करती हूँ। इस बार में बिहार पे भी जरा फोकस करना चाहूंगी, लेकिन बड़ी बातें दर्शकों को हम बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। वहीं जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट भी कट सकता है। ये वो बड़े नाम है जो कि 2019 तक बीजेपी की पसंद थे, लेकिन इस चुनाव में जनरल वीके सिंह, इसके अलावा वरुण गांधी जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा रहे, वीरेंद्र सिंह बलिया से उनका टिकट कट सकता है, राजवीर सिंह दलेर, और बीजेपी में दिग्गजों का जो टिकट कटा है उसका सिलसिला पुराना है। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, इन सब नामों में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर 2019 के ठीक बाद लोगों ने यह मंथन करना शुरू कर दिया था कि इनका टिकट तो कटना ही है, 2024 में तो ये फाइनल नहीं है। वो नाम है वरुण गांधी का। देखिए, वरुण गांधी का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था जब वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने बयान दिया था। इसके अलावा कई बातें उन्होंने ऐसी कही थी जो पार्टी लाइन के खिलाफ थी। ये तो नाम आपने जिक्र कर दिया, रोहेलखंड, पीलीभीत से जो वरुण गांधी हैं, लेकिन खासकर रीमा जो पूर्वांचल के नाम है, कई सरप्राइज नाम है जो हमारे सामने यहाँ पर आ सकते हैं। मसलन भदोही लोकसभा सीट है, वहाँ से कांग्रेस के पहले जो बनारस से सांसद थे, अब जो बीजेपी में आए राजेश मिश्रा, उनको पार्टी टिकट दे सकती है। बलिया, जिसका आपने जिक्र किया, वीरेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है, तो उनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। रीता बहुगुणा जोशी का आपने जिक्र किया, वो हट सकती है। संघमित्रा मौर्य का, जी संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बेटी हैं, और पार्टी से के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ इनके बयान आते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, इनकी लाइन जग जाहिर है। रीता बहुगुणा जोशी का प्रयागराज से टिकट कटकर किसको मिलना है? पूजा पाल के मिलने की संभावना है, जो कि हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी में जो शामिल हुई है। तो इस तरीके से हम अहम ये बदलाव देख सकते हैं, और नए चेहरे, खासकर नए चेहरे इस पांचवी लिस्ट में हमें देखने को मिलेंगे, और खासकर पूर्वांचल और कुछ प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेहरे। ठीक है, मैं आती हूँ एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई ऐसे राज्यों पर चर्चा हुई जिसकी लिस्ट अभी फाइनल नहीं है।
और ये बैठक कितने देर चली ये भी हम आपको बता रहे हैं। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली और इन राज्यों को लेकर मंथन किया गया। इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल है। और जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि पूर्वांचल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, ये सब इलाकों में क्या कुछ बीजेपी का मंथन है और क्या फाइनल हुआ है। फाइनल ये हुआ है कि उन तमाम चेहरों पर बेधड़क कैंची चले जो कि जिताऊ कैंडिडेट साबित नहीं होने जा रहे हैं और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं पूरी लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को ही टिकट मिलेगा। इन्हें ही भरोसे में लिया है बीजेपी ने। 2019 में बीजेडी प्रत्याशी ने संबित पात्रा को पूरी सीट से हराया था, जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है सोर्सेस का, ओडिशा के 2 सीटिंग सांसदों विशेश्वर टूडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है। ये बड़ी बातें हम आपको ओडिशा से लेकर बता रहे हैं। और ये बात थी बीजेपी की अभी तक, लेकिन अब हम कांग्रेस के एंगल से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4th लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको 4th लिस्ट को लेकर बता रहे हैं। 46 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 4th लिस्ट जारी की है और अब तक 183 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, और जिसमें महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के कई चेहरे। लेकिन इस बीच वाराणसी से अजय राय को फिर से मौका दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की लिस्ट भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो मंथन किया है उसका क्या असर हुआ है वो लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी हैं। यूपी की वाराणसी सीट से अजय राय को टिकट दिया गया है। ये बड़े नाम हैं और मैं सीधे अपने सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करूंगी, भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कांग्रेस पार्टी के लिए बीते चुनाव से लेकर अभी तक जो मध्य प्रदेश की राहें हैं वो भी आसान नहीं है। 2 फाड़ में मध्य प्रदेश की राजनीति हो जाती है, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया। अब जो बची हुई चीजें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, क्या वो संभाल के रख पाएगी अपने 2 दिग्गजों के जरिए, कमलनाथ और दिग्विजय के जरिए? ये बिल्कुल जो आपने कहा ना कि आसान राह नहीं, सही कहा जाए तो कांग्रेस के लिए तो बहुत कठिन है जो ये डगर पनघट की, मतलब लोकसभा के चुनाव की जो डगर है ये बहुत कठिन है, क्योंकि 29 में से 28 सीटें तो वैसे ही अभी बीजेपी के पास हैं और इकलौती छिंदवाड़ा सीट जीतने का भी दावा बीजेपी कर रही है। अब की बार अगर वो दिल्ली में नारा दे रहे हैं कि 400 पार, तो मध्य प्रदेश में अब की बार पूरी 29 सीटों की बात बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए अब आप सामने देखिए कि कांग्रेस का जो नज़ारा है वो ये है कि अभी भी कांग्रेस से 2 बड़ी अहम सीटें हैं, क्योंकि जब आप अपने किसी दुश्मन से लड़ते हैं, किसी को चुनौती देते हैं, तो सबसे पहले उसके जो हाई प्रोफाइल सीट है उसमें अपना उम्मीदवार सामने खड़ा करते हैं और चुनौती देते हैं। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के लिए हैं, तो अभी तक विदिशा से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गुना से हैं तो अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि कौन गुना से सिंधिया के सामने लड़ेगा। मगर अब दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारा है, 2 बार दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं और जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारकर पार्टी ने कोशिश की है कि वो राजगढ़ सीट को जीते। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया, एक आदिवासी बहुल सीट है जो रतलाम झाबुआ, उस सीट पर कांतिलाल भूरिया भी पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई मर्तबा वो वहां से चुनाव जीते। तो ये जो आप बता रहे हैं उसका लब्बो लुआ